सबसे अहम चीज़ होती है जो ये जीड में होती है, इनका बड़ा मसला आता है कि जब निशान लगा रहे हैं उसके बाद शटरिंग करेंगे, शटरिंग वाले भाई जान भी गलती करेंगे और उसके बाद भराई हो जाएगी तो उसमें फिर मसला होगा। अगर कंक्रीट होगी तो उसको तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मटेरियल आपका लग चुका होता है और उसमें मतलब मसले मसाइल होते हैं, शटरिंग नहीं आप दोबारा करवा सकते, सरिया की जो है वो मजबूती नहीं आएगी जिस तरह मतलब एक स्लैब को आप डालते हैं तो उसमें आती है। तो ये कोशिश करें कि इसको जो है ना वो बिल्कुल ड्राइंग के मुताबिक ही आप साइड पर बनवाएँ। अगर ड्राइंग के मुताबिक आपकी सीढ़ी आपके बिल्डिंग में एडजस्ट नहीं हो रही है तो वो आपकी ड्राइंग का मसला है, उसमें मतलब ये नहीं है कि मिस्त्री का कोई मसला हो सकता है। हाँ, लेकिन ये कि मिस्त्री का अमूमन मसला तब होता है कि जब मिस्त्री काम ठीक नहीं कर रहा था, उसमें मसले मसाइल आते हैं। ये ऊपर वाला जो अभी दूसरा स्टेप है चीरमा, उसको काट रहे हैं। उसके बाद जो सीढ़ी या स्टेट हो जाएगी उसका तो इतना इशू नहीं होता है क्योंकि उसमें सीधा सीधा होता है, सीधा मतलब आपने राइजर लगाया, राइजर के बाद ट्रेड लगाया तो वो आपको जो है उसका सीढ़ी का जो निशान है वो अब मिल जाता है। यहाँ पर हमारे जो स्टेप अभी ऊपर आएंगे तकरीबन चार स्टेप आएंगे। स्लैब की तैयारी होनी है वो वाली लाइन हम लगा रहे हैं क्योंकि उसके नीचे शटरिंग वाले बंदे ने शटरिंग करनी है। तो ये भाई जान नीचे जो भी निशान लगा रहे हैं ये शटरिंग के निशान लगा रहे हैं, ये भी जो कांडे के साथ लगाएंगे ये शटरिंग का निशान है, इस जगह पे शटरिंग वाले बंदे ने शटरिंग करनी है। तो नीचे से हम कोशिश करते हैं कि जो हमारी स्टेज है वो भी रहे, मतलब उसका जो एरिया है वो यूज़ में आ जाए, वो ज़्यादा खतरा ना हो, मसले मसाइल ना हो, जब मिस्त्री इसको पत्थर करे तो वो थोड़ा आसानी से करे। तो ये जिस जगह पर भी हम बता रहे हैं वजह से ऊपर करके उसके जब सीधा ही पूरा एक स्टेप बनाएंगे उसके ऊपर फिलिंग करके स्लैब की फिलिंग करेंगे, उसके ऊपर हम आएंगे स्टेप पाएंगे उसके ऊपर बिक्स के स्टेप जो अभी निशान लगा रहे हैं यहाँ पर हमारी स्लैब आएगी। यहाँ पर ये ऐसा मसला इस वजह से आता है कि ये तीन माटा होता है, जगह ज़्यादा होती है कि एक ही जगह पे आपके तीन अड्डे निकल रहे हैं और उसके बाद फौरन ही आपके जो है वो अड्डे मतलब दूसरी तरफ भी बीमे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सीन ये है कि दो अड्डे जो हैं उसके बाद मतलब क्लियर अड्डे आ रही है, ये जगह पे भी इन्होंने ये लगाई है। इसी तरह आगे वॉशरूम आ जाता है तो वॉशरूम की हाइट का भी नुकसान नहीं है, हमारा हमारा कार्ड साठ फुट पर लगा हुआ है बाकी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप लोगों से कि आपको ये लोगों को ये वीडियो जो पसंद आएगी। इस तरह की वीडियो हमारी ये फर्स्ट वीडियो है, काम हमारे बेशुमार चल रहे हैं। ये न्यू लॉ सिटी में बन रहा है घर, पाँच मल्ले का है, पाँच मल्ले की स्टेयर है जिसकी सारी डिटेल आप लोगों को ये दिखा रहा है। अगर किसी भाई को कोई डिज़ाइन के मतलब
یا ٹرانزیکشن کے متعلق معلومات لینی ہو تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے. لنک میں ڈسکرپشن میں ہمیں جو ہے اپنے پیج کا بھی سارا لنک رکھا ہوا ہے, وہ وزٹ کریں. جس جگہ پہ انہوں نے نشان لگایا یہاں پہ ہماری پاؤڈر روم کی جو ہے دیوار آئے گی, تو وہ باہر سے کسی بندے کو پتہ نہیں چلے گا کہ نیچے پاؤڈر روم ہے یا نہیں. تو اسی طرح اسٹیج کی مکمل جو لے آؤٹ, اس کو ہم بولتے ہیں کہ اسٹیج کا جو لے آؤٹ ہے وہ پورا کمپلیٹ ہو گیا. یہ آپ کو ویڈیو کے اینڈ میں ساری جو ہم نے لے آؤٹ کیا ہے یہ آپ کو پراپر نظر آ رہا ہے. اگر کسی بندے کو کوئی اسٹیج میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو کائنڈلی کمنٹ میں بتائیں. تھینک یو.